रोहतास जिले के नासरीगंज नगर पंचायत स्थित पीएचसी सह रेफरल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्डों ने पीएचसी प्रभारी व मैनेजर का घेराव कर जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने के लिए प्रदर्शन किया। पीएचसी सह रेफरल अस्पताल के आउटसोर्सिंग के तहत पदस्थापित 21 सिक्योरिटी गार्डों को पिछले 16 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सिक्योरिटी गार्ड का परिवार भुखमरी का शिकार बना हुआ है। रेफरल अस्पतालों में कई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड पद स्थापित है जिनकी घर की दूरी यहां से 20 किलोमीटर तक की है। वेतन के अभाव में उनका यहां रहना भी दुभर हुआ है। सभी सिक्योरिटी गार्ड एलाइट फॉल्कन्स कंपनी के तहत तैनात है। इनके वेतन के रूप में प्रतिमा 5,000 रुपया मिलता है, जबकि कंपनी की ओर से इन लोगों के लिए वेतन पीएचसी के सिक्योरिटी गार्ड 12,500 रुपये जाते हैं। सिक्योरिटी गार्डों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि स्थानीय राशन दुकानदारों ने भी अब राशन देना बंद कर दिया है, अपने बीमार बच्चों का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। पीएचसी प्रभारी आश्वासन देते हैं। अब फोन से पीएचसी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पेमेंट के लिए वरीय अधिकारियों के पास भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक आवंटन बनकर नहीं आया है। जब आवंटन बनकर आएगा तो पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। अलॉटमेंट भेज दिया गया, लेकिन झूठा कागज निकाल कर दिखाया जाता है कि हाँ अलॉटमेंट आपका चला गया, लेकिन अलॉटमेंट एक बार भी यहाँ से नहीं गया है। एक बार 16 महीने से बड़ा बाबू से, बड़ा बाबू को बोलने पर वो भी नहीं सुनते हैं कि हमारा पैसा मतलब मिले चाहे ना मिले, अलॉटमेंट भेज हो गया है। 16 महीने 16 महीने से बंद है जी। एक महीना 2020 में मार्च का अलॉटमेंट आया था, एक महीने का खाली पेमेंट हुआ है और 15 महीने के बकाया। बड़ा बाबू से बोलते हैं तो बड़ा बाबू बोलता है कि आप पैरवी कीजिए, पैरवी कीजिए। इसलिए पैरवी कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जाए करने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंटू कुमार गुप्ता। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार। नौकरी कैसे छोड़ दे? हमारे पेमेंट क्लियर थे, हम नौकरी छोड़ देते हैं। हमारा पावर है? आपका पावर नहीं है? यहाँ से जा रहा है अलॉटमेंट। मार्च 20 का भुगतान हुआ है, मार्च वाला पेमेंट 20 वाला भइल बा, एक महीना का पेमेंट भइल बा ना सर। आगे पिछला साल के, पिछला साल और बताइए उनके लिखे लिखा तो काहे नहीं लिखा सर? पिछला तब तो सही चल गई ना, हाई वाला 20 के पहले वाला कहाँ सर? पहला वाला सब जाएंगे नहीं किया, गाड़ी लगाई सर देखिए के माँ असल बा।